इस समय की बड़ी खबर, कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बता दें जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने ये कार्रवाई की है। जांच में अब तक करीब 150 करोड़ टैक्स चोरी के सबूत पाए गए हैं। पीयूष जैन ने समाजवादी इत्र भी बनाया था, आपको याद होगा, ये वही पीयूष जैन है जिन्होंने हाल ही में समाजवादी इत्र जो है उसे लॉन्च किया था। समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी पीयूष जैन के कई ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस एवं महानिदेशालय यानी कि डीजीजीआई की टीम ने गुरुवार सुबह छापा मारा और कहा जा रहा है कि जांच में अभी तक करीब 150 करोड़ टैक्स चोरी के कई सबूत पाए गए हैं। फिलहाल यहां पर अभी भी कार्रवाई जारी है, जांच जारी है, अभी भी यहां पर जो टीम है वो दस्तावेज भी खंगाल रही है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रेड मारी है, पीयूष जैन के कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। हालांकि इसके पहले भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे थे, उनका कहना है कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई लगातार की जा रही है और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके दुरुपयोग करने की भी बात कही गई है। तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये इस कार्रवाई के दौरान सामने आई तस्वीर है। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन जो कि समाजवादी इत्र बनाने के बाद से ही चर्चा में आ गए थे, कारोबारी है पीयूष जैन जो कि इत्र का उनका पूरा कारोबार है, अब उनके ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रेड की है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कारोबारी पीयूष जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। देखिए टीम किस तरह से नोट गिनने की मशीन भी यहाँ पर लगातार लगाए हुए हैं क्योंकि काफी यहाँ पर अवैध ये कहा जाए अकूत संपत्ति की भी जानकारी मिल रही है। 150 करोड़ टैक्स चोरी के सबूत यहाँ से मिले हैं, कई सोने के जेवरात भी यहाँ से मिले हैं। अब देखिए जरा, बताया जा रहा है कि इस दौरान यहाँ पर गोल्ड के बिस्किट्स भी इस छापेमारी के दौरान पाए गए हैं और कार्रवाई हालांकि अभी भी जारी है। ये देखिए, ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रखे हैं यहाँ पर ये पैकेज जो है, दरअसल इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि करोड़ों का टैक्स जो है वो चोरी किया जा रहा था, उसे बचाया गया था। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें इस तरह से अलग अलग पैकेट्स भी बने हुए पाए गए। एक तिजोरी यहाँ पर नजर आ रही है, कानपुर में कार्रवाई की गई, कानपुर में कारोबारी के घर से 150 करोड़ बरामद किए गए हैं। कमरों में बड़े बड़े बंडल में भरे हुए नोट मिले हैं, ये भी जानकारी बताई जा रही है।